इक्विलिब्रियम तो देख लिया कि रोटेशनल ट्रांसलेशनल होता कैसे है। अब अपन टाइप्स देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या टाइप आते हैं। सबसे पहला टाइप आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब स्टेबल क्या होता है जी? स्टेबल मतलब एकदम शांत चुपचाप से एकदम बैठा हुआ आदमी जिसको कोई कीड़ा नहीं काट रहा है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कब होता है? अगर मान लेते हैं कि मैं किसी बॉडी को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड डिस्प्लेस किया, जैसे ये मेरे पास बॉडी है, ठीक, तो ऐसे करके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा हाथ, ठीक है, ये डिस्प्लेस किया, ये वापस अपने स्टेबल पोजीशन में आना चाह रहा है ना? हाँ बिल्कुल आना चाह रहा है। ए दे ए दे ए दे ए दे, मतलब किसी बॉडी के अगर यहाँ पे मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स रखूँ, इधर दूँ या इधर दूँ, वापस ये अपने उसी पोजीशन में आना चाहेगा। तो ये स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है इस पॉइंट पे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रखता हूँ तो, मतलब ये वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। तो जो वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। ये मत लिख देना अपने नोट्स में, मैं बस बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो यार, समझना ज़्यादा जरूरी है, डेफिनेशन तुम लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यही चीज अब मैं ऐसे रखूं इसको, अब करूं, अब हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दूं, ये वापिस अपने इसी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको इस प्रकार की चीजों को जब अपन नीचे रख देते हैं और वापिस वो अपने उस पोजिशन में वापिस कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो, अगर बॉडी ऐसा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा? ऐसे मैं कैसे भी इसको इधर से डिस्प्लेस करूंगा तो इधर से डिस्प्लेस होके ये वापस ऐसा आना चाहेगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वापस वैसा ही पोजीशन, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा, इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे भी करो वापस इसी पोजीशन में आना है इसको, तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं।